हेलो फ्रेंड्स, RTX 3060 लैपटॉप चूज़ करना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, स्पेशली हमारे इंडियन मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप्स RTX 3060 के निकल के आ रहे हैं। और ऐसे में सही प्राइस पे कौन सा लैपटॉप लेना सही डिसीजन रहेगा, ये एक कन्फ्यूजिंग चॉइस बन चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग कौन से RTX 3060 के गेमिंग लैपटॉप इस समय बेस्ट चॉइस रहेंगे उन पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट जिस पे वो आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं और इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं डिसाइड टेक, मेरा नाम है शिवम। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, सबसे कम प्राइस से हम यहाँ पे शुरू करते हैं और सबसे पहला लैपटॉप जो मैं बताने वाला हूँ वो है आसूस का टफ डैश F15 2021। अब मुझे पता है इस लैपटॉप को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में। बहुत लोग कह रहे हैं कि बॉटल नेक होता है इसमें, जो i5 और i7 दिए हैं दोनों क्वाड कोर हैं और वो इतने कैपेबल नहीं है। बट यहाँ पे जो ये मॉडल निकल के आता है, जिसमें आपको दिया हुआ है i5 11300H क्वाड कोर CPU, और इसका जो पेयर किया गया है RTX 3060 का GPU, वो एक 80 वॉट का GPU है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉटल नेक है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें और लोगों के रिव्यू कमेंट्स पढ़ें, और कई सारी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि इसमें बॉटल नेक इतना ज़्यादा भी नहीं है। लाइक 4 से 6% ड्रॉप है परफॉर्मेंस में, बट ये इतनी बड़ी ड्रॉप भी नहीं है दोस्तों। और ये लैपटॉप स्पेशली काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन में आता है, ये एक लाइट वेट लैपटॉप है, ये थिन लैपटॉप है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एस्थेटिक वाइज भी ये अच्छा है और ये प्राइस में आपको सही वैल्यू फॉर मनी डील है मेरे हिसाब से। बट ये लैपटॉप मैं लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव टास्क भी करते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या और भी कोई काम जिसमें कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा CPU यूसेज होता है। तो मैं बोलूँगा कि वो लैपटॉप ये लोग अवॉइड करें। बट जो कि जो लोग एकदम हार्डकोर गेमर हैं और एकदम गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, वो डेफिनेटली इस लैपटॉप को ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बॉटलनेक का इशू है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में है, बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा रिव्यू पढ़ेंगे, रेडिट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू या बहुत सारे तरीकों के थ्रू ये इतना ज़्यादा बॉटलनेक भी नहीं देता है, सिर्फ 4 से 6% ही ड्रॉप है गेमिंग में। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो एकदम सिमिलर इसके ही है। अगर आपको एकदम स्लीक या लाइट वेट लैपटॉप नहीं चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, एसर नाइट्रो 5। इसमें भी आपको इंटेल का i5 मिल जाता है RTX 3060 के साथ, और इसमें भी लोग कंप्लेन करते हैं कि बॉटलनेक वगैरह का इशू है, बट इसमें भी आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं। मेरे हिसाब से बॉटलनेक इसमें एकदम डील ब्रेकिंग इशू नहीं है। अगर आपका बजट एकदम फिक्स है और बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव टास्क आप नहीं करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो लैपटॉप मैं बताने वाला हूँ वो RTX 3060 की वन ऑफ द बेस्ट लाइक बैंग फॉर बक डील है। वो इतनी ज्यादा अच्छी डील है कि इसे ग्रैब करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ये लैपटॉप मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है और इसे खरीदना बहुत ही मुश्किल है, बट ये मेरे हिसाब से इस साल की RTX 3060 गेमिंग लैपटॉप एकदम मचाऊ डील है। दोस्तों, जिस लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ असूस टफ गेमिंग A15, बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज है लैपटॉप की इंडिया में, एकदम बजट गेमिंग लैपटॉप आते हैं इनके। इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है राइजन 750 800H, एकदम लेटेस्ट राइजन का CPU, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड्स का बहुत ही मचाऊ CPU है। और इसमें जो आपको RTX 3060 मिलता है वो भी एक 90 वॉट का GPU है, तो एकदम बीस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। पता है, मतलब गेमिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। आपका अगर CPU इंटेंसिव टास्क भी करते हैं, आप गेमिंग भी बहुत अच्छे लेवल की करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप आपकी नीड्स एकदम सेटिस्फाई कर देगा। बट इसमें थोड़े कॉन्स भी है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको लैपटॉप लेना है कि नहीं। सबसे बड़ा कॉन जो इस लैपटॉप में वो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आपको अगर फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए इस लैपटॉप को लेना है, कूलिंग की इस लैपटॉप को आप अवॉइड करिए। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है अच्छे फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा कॉन है वो है इसमें हीटिंग इशूज है। तो लैपटॉप में अगर आपको हीटिंग इशू नहीं चाहिए तो आप इस लैपटॉप को अवॉइड करिएगा। और जो तीसरा कॉन है वो इस लैपटॉप की पूरी बिल्ड क्वालिटी एक प्लास्टिक बिल्ड है, तो अगर आपको प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप्स नहीं पसंद है तो आप इस लैपटॉप को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर इस कॉन में से कोई भी कॉन आपको ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को ले सकते हैं। एकदम वैल्यू फॉर मनी और बैंग फॉर बक डील है। बट अगर आपको अवेलेबल हो खरीद पाए तो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इसको खरीदना, मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बट इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि लैपटॉप अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों, इस सीरीज में लास्ट लैपटॉप जो मैं बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है एक RTX 3060 लैपटॉप के अकॉर्डिंग। मुझे पसंद लगता है कि एक पूरा जो पैकेज अगर आपको चाहिए तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। और इस लैपटॉप का नाम है एसर प्रीडेटर हेलियोस 300। जी हाँ दोस्तों, 10th जनरेशन इंटेल i7 के साथ ये आता है। इसमें एक 6 कोर का अच्छा खासा मैक्स क्लॉक 5 GHz वाला CPU मिल जाता है, और इसमें जो RTX 3060 आपको मिलता है वो 80 वॉट का मिलता है, बट आपको उसको बूस्ट कर सकते हैं 100 वॉट तक। तो एकदम बीस्ट कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप में भी है। आपको CPU इंटेंसिव टास्क करने हो, आपको बहुत अच्छी गेमिंग करनी हो,
सब कुछ इस लैपटॉप में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, एकदम अच्छी कन्फिग्रेशन वाला लैपटॉप है। और जो मैंने पिछले लैपटॉप में जो कॉन्स बताए, जैसे कि अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी ना होना, तो इस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है दोस्तों। अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही शानदार है। 99% sRGB वाली इसकी IPS की डिस्प्ले आती है, और इसकी डिस्प्ले की फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल की है। और एसर प्रेडेटर अपने लैपटॉप में काफ़ी अच्छी स्क्रीन देता है, तो हमें पता ही है। तो इस सीरीज में भी आपको इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाता है, अच्छी खासी हाई रिफ्रेश रेट और अच्छा रिस्पॉन्स टाइम, गेमिंग के लिए भी अच्छी है, और वीडियो फोटो एडिटिंग और हर तरह के टास्क के लिए आप इस स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी दूसरी अच्छी चीज़ है कि ये लैपटॉप पूरा मेटल बिल्ड के साथ है, तो एकदम जो आपको रिजिड सॉलिड फील आएगी आपको इसको यूज़ करने में, वो भी इसमें आपको मिल जाती है, तो वो भी मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक ओवरऑल बेस्ट पैकेज है RTX 3060 का, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप इंडिया में इस समय चाहिए। आप ट्राई करिए कि आप एक अच्छी सी सेल में कम प्राइस होने पे इसको अच्छा डिस्काउंट वगैरह खरीदें, तो आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील इस लैपटॉप में डेफिनेटली मिल जाएगी मेरे हिसाब से। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी लिस्ट बेस्ट RTX 3060 गेमिंग लैपटॉप इन इंडिया करेंटली। और इसके अलावा RTX 3060 के बहुत लैपटॉप इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ZFIRES G15 है, बट वो मेरे हिसाब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाता है, वो 1,37,000 का आता है, और मतलब बहुत ही स्लीक और थिन लैपटॉप बनाया है, बट महंगा भी उस हिसाब से ही है। और आपको ऐसे ही ZFIRES G14 भी मिल जाता है, बट उसमें 3060 काफ़ी ज़्यादा लो पावर है, 3060 वॉट ही है, और वो उन लोग के लिए जो एकदम पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं, पोर्टेबल गेमिंग मशीन, और इसके हिसाब से वो बहुत महंगे भी आते हैं। तो अगर आपको उस तरह के एक लैपटॉप्स की गेमिंग सीरीज का वीडियो चाहिए जो कि हाईली पोर्टेबल थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसी कोई सीरीज चाहिए, ऐसा कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आपको किसी और भी तरह का सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और आपको इस तरह के टेक वीडियोस देते रहना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।